हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शतरंज और कैंसर कॉमिक्स के बारे में। और मैं इन दोनों कॉमिक्स का रिव्यू एक साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब द्विनायक डाइजेस्ट का दौर चला था तो एक टाइम ऐसा आया था कि खरोच और तुर्कचाल का डाइजेस्ट प्लान हुआ था, इसलिए मैंने उन दोनों कॉमिक्स का रिव्यू भी एक साथ डाला था। और मैंने ये भी बताया था कि ठीक उसके बाद शतरंज और कैंसर का भी द्विनायक डाइजेस्ट को प्लान किया गया था। बट जैसे कि आपको पता है कि खरोच और तुरुपचल का डाइजेस्ट का जो कवर है वो रेडी हो चुका था। इसका बस अनाउंस किया था, कोई कवर इसका डिज़ाइन नहीं हुआ था। तो ऑफ कोर्स ये दोनों कॉमिक्स भी सिर्फ 70 वाली कॉमिक्स के साइज़ वाली हैं और इनमें भी वैसे ही पेजेस का इस्तेमाल किया जैसे खरोच और तुरुपचाल में थे, वही डिसेंट क्वालिटी के पेजेस। और इन दोनों कॉमिक्स की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और अगर मैं स्टोरी के बारे में बात करूँ तो अगर मैं इन दोनों के कंपेयर करूँ तो शतरंज कॉमिक की जो स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से ये कॉमिक उतनी अच्छे से निकल के नहीं आ पाई जितना आ सकती थी। वही दूसरी ओर जो कैंसर कॉमिक का जो स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, जिसकी वजह से ये कॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आती है। और इसमें पहली बार हम डॉक्टर अनीस को कैंसर के रूप में देखते हैं। अब ये मान कह सकते हो कि इस कॉमिक में कैंसर का डेब्यू होता है। और अगर मैं खरोच, तुरुपचाल, शतरंज और कैंसर कॉमिक चारों कॉमिक को कंपेयर करूं तब भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर कॉमिक शतरंज है। और बाकी तीनों कॉमिक्स की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और आर्टवर्क के बारे में बात करूं तो खरोच और तुरुपचाल की तरह इन दोनों कॉमिक्स का आर्टवर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले मैं आपको शतरंज कॉमिक का आर्टवर्क दिखा देता हूँ। और जैसे मैंने खरोच और तुरुपचाल के बारे में बताया था कि इनको पढ़कर ऐसा लगता था कि जैसे मैं स्कूल की किताबें पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स 5th क्लास से पहले जो हम स्कूल की जो किताबें पढ़ते थे उनका साइज़ तकरीबन इतना ही होता था, जिसकी वजह से इनको पढ़ने का एक अलग फ्लेवर मिलता है जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। नो डाउट कि इन चारों कॉमिक्स में धीरज वर्मा जी ने बहुत बढ़िया आर्टवर्क दिया है, बट इस कॉमिक की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इसमें तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील का जो इंटरेक्शन है वो भी कुछ खास नहीं था। मतलब एक अच्छी कॉमिक्स बनती बनती रह गई। मतलब मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई इस कॉमिक को पढ़ के, क्योंकि मुझे लगा था कि ये कॉमिक काफ़ी शानदार होगी। तो मैं इस कॉमिक के बारे में ये बोल सकता हूँ कि अगर आप तिरंगा और स्टील के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये ख़रीदनी चाहिए। अगर आप नहीं भी हो तो आप इज़िली इस कॉमिक को स्किप कर सकते हो। अब बात आती है कैंसर की। और मुझे खुशी है कि जो द्विनायक डेस्ट, खरोच और तुरुपचाल और इन दोनों कॉमिक्स का प्लान हुआ था, हालांकि इसको कभी डेस्ट में ले तो नहीं पाया क्योंकि आएगी नहीं, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि अब चलो मेरे पास ये चारों कॉमिक्स हैं, वो भी एक नॉर्मल से बड़े साइज़ में। हालांकि महंगे हैं ऑफ कोर्स, पर कर कह सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन है कि चलो कॉमिक्स मिल गई। आर्टवर्क सही में बहुत ज़्यादा शानदार है। इस कॉमिक के बारे में बस ये कहूँगा कि अगर आप परमाणु और स्टील के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये खरीदनी चाहिए। और अगर आप नहीं भी हो और अगर आप एक नए सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस होना देखना चाहते हो तब भी आप इस कॉमिक को खरीद सकते हो। मतलब बहुत अच्छी है ये कॉमिक की स्टोरी। और ऑफ कोर्स इन दोनों कॉमिक्स के अंदर भी ग्रीन पेजेस हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।